हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती की रसोई। तो आज हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। उसमें हम लोग 1 चम्मच शुद्ध घी, घर का बना हुआ घी डाल रहे हैं। 2 चम्मच मैंने शुद्ध घी डाला है। तो घी में ही हम लोग ये देख सकते हैं, 2 इलायची मैंने अच्छे से कूट लिया था, वो डाल दे रही हूँ मैं। इलायची से स्मेल अच्छा आता है। तो अब हम लोग गाजर को मिक्स कर दिए हैं घी में। तो मैंने गाजर कद्दूकस किया हुआ गाजर भी डाल दिया है घी में। तो अब ऐसे ही हम लोग 2-3 मिनट तक गाजर को अच्छे से भूनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने 2-3 मिनट अच्छे से गाजर को मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम लोग इसमें दूध को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, तो ये हम लोग गाजर में मिक्स करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने दूध डाल दिया है। तो अब हम लोग गाजर को अच्छे से दूध में पकाएंगे, जब तक दूध पूरा से सूख ना जाए। ये देखिए आप लोग, कितना अच्छा से उबाल आ रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू किशमिश, आपको जो मन आप वो डाल सकते हैं। तो 5-7 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं यह सूखने पर आ गया है। तो अब हम लोग चीनी इसमें डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम लोग इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा अच्छे से बन रहा है। हमारे हलवा का कलर एंड लाइट भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, हमारा हलवा एकदम अच्छे से बन गया है। हम लोग और इसे 1 मिनट तक चला लेते हैं, फिर हमारा हलवा बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप लोग इसका कलर एंड लाइट भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए आप लोग। तो चलिए जब बन जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा हलवा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। आप लोग के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।